नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाली है दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले के बारे में, जिस मुकाबले में मिली है फिर से सर्वनाखर। आपको बता दें, इस मुकाबले में ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाजी न कर सके, आपको बता दें दिल्ली कैपिटल्स। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का आगाज भी किए, शुरुआत भी किए और इस मुकाबले में शुरू से अंत तक इस गेम में बने हुए भी रहे। इस मुकाबले में इस प्रकार खेले वो कमाल के करते हुए नजर आए, अपनी टीमों को जिताने के लिए जी जान लगा दिए थे और लगभग मानिए इस मुकाबले में जीत ही जाती दिल्ली कैपिटल्स अगर यहां पर ही रह जाते जेक फरोजस ने। लेकिन इस मुकाबले में देखिए, इसलिए सनराइजर्स हैदराबाद से हारा दिल्ली कैपिटल्स क्योंकि इस मुकाबले में बन गए थे 266 रन। और देखिए, आरसीबी के सामने अगर 266 रहता तो यह मैच चेस भी हो जाता क्योंकि 62 रनों की पारी खेल दिए थे दिल्ली राजस्थान वाले, नहीं ये आरसीबी वालों। और उसके बाद देखिए, गुस्से में खुद ऋषभ पंत ने किया इसका बहुत ही बड़ा खुलासा और दे दिए इस पर बहुत ही बड़ा बयान। इस मुकाबले में ऋषभ पंत कह रहे थे, मैं जानते थे इस मैच को नहीं जीतूंगा, जिस कारण से इस मैच में हम अच्छे बल्लेबाजी करने के लिए नहीं गए, अच्छे बल्लेबाजी करने के लिए हम जाते तो इस मुकाबले में मेरे टीमों को हार मिल जाता। और ऐसे भी हार मिला, वैसे भी हार मिला, लेकिन जितने ज्यादा रन से हार मिला इतने सोचे नहीं थे, हमारी ये गलती हुई ये मानते हैं लेकिन हमने कुछ गलती करा नहीं है। उसके बाद गए ट्रेविस हेड और पैट कमिंस, ये दोनों ने इस मुकाबले में अपनी टीमों को जिताने के लिए मैच में पकड़ बना दिए थे। इस मुकाबले में आपको बता दें लगातार ये विकेट ले रहे थे तो ये बल्ले से रनों की बौछार लगा रहे थे ट्रेविस हेड, और दोनों की बदौलत इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद कहीं ना कहीं मेरे टीमों से आगे चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आई होप इज अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे जरूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।